हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी हैव स्टार्टेड डीएवी क्लासिक्स मैथ्स बुक एंड इट्स चैप्टर नंबर 2, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स 4 वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। टुडे वी स्टार्ट इट्स वर्कशीट नंबर 5, एंड इन दिस वर्कशीट वी फाइंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स HCF। फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या है HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF क्या होगा, इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या है, हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, एंड स्टेटमेंट इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड। हियर वी यूज फैक्टर मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वर्कशीट में, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमें जो HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करने के 3 मेथड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड। वी यूज हियर फैक्टर मेथड। ठीक है, हम इस पे फैक्टर मेथड यूज़ करना है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमें नंबर दिए होंगे उसमें हमें उनके क्या फाइंड करने पड़ेंगे, पहले फैक्टर। अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, HCF। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो पीछे से स्टार्ट होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 7R। ठीक है, हमें 7 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि जिस नंबर के भी हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, हम उसे ऐसे सर्कल में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन, जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना है, 7। तो हमें पता है 1 × 7, 1 × 7 = 7। तो ऐसे ऐसे 1 और 7 ही दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आता है। ठीक है, तो 7 के फैक्टर यही बन जाएंगे, 1 and 7, 1, 7। ठीक है, तो 7 के फैक्टर क्या हो गए, 1 and 7। फैक्टर्स ऑफ 18 आर, ऐसे अब हम किसके फाइंड करेंगे, 18 के। ठीक है, हमें ऐसे दो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 18, 1 × 18, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वो तो आ ही जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी इसके बन रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इंक्रीज करना है। 1 से बड़ा नंबर देख लो क्या होता है, 2। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, 18 आ जाए, 2 × 9 = 18। ठीक है, हो गया, 18 आ गया, 2 × 9 = 18। कोई और ऐसा नंबर फाइंड करो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। अब 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3। क्या 3 की मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, 3 × 6 = 18। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ इससे बड़ा नंबर 4 लिखूँ, अब आप देखो 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, क्योंकि 4 × 4 = 16 होते हैं और 4 × 5 = 20, तो 4 नहीं लिखना है। 5 की टेबल में भी 18 नहीं आता, तो 5 भी नहीं लिखना है। 6 ये आ चुका है, 6 × 3 = 18। ठीक है, अब और कोई नहीं लिखना है, तो यही बनेंगे। और ऐसे यू शेप होती है ना, जैसे हमारी यू, वैसे हमारे यहाँ से फैक्टर हमें फाइंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 and 18, 1, 2, 3, 6, 9 and 18। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। अब मैंने बोला था HCF, तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, एक स्टेप हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने फैक्टर्स तो कर लिए, लास्ट वाला तो हो गया, उसके बाद हमें फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, अब उसमें से क्या निकालने हैं, कॉमन। ठीक है, अब क्या निकालने हैं, कॉमन। तो हमें लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, कॉमन फैक्टर। अब आप ये देख लो, कॉमन वो होते हैं जो दोनों में हो, 7 के फैक्टर्स में भी हो और 1 के में। देखो मैं ऐसे यहाँ सर्कल लगा देती हूँ, इसका मीनिंग है कि ये दोनों में है। ठीक है, ऐसे हमने इनको बंद कर दिया इसके अंदर। तो 1 क्या और है, 7 ऊपर वाले के पास है, तो नीचे इनमें 7 नहीं है, 2 नीचे है ऊपर नहीं है, 3, 6, 9, 18 ये नीचे वाले के पास तो है, 18 के पास तो है, लेकिन 7 के पास नहीं है। तो मीन्स ये हुआ कि कॉमन फैक्टर में सिर्फ हमारे पास क्या आया है, 1। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आया ही सिंगल है, अब मुझे क्या निकालना है उसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एच सी एफ। ठीक है, अब आप देखो इसमें है ही एक है, अगर मान लो यहाँ कॉमन निकाल के दो आ जाते, वन और टू आ जाते, ठीक है, तो हाईएस्ट लेना था, मैं टू लेती, लेकिन यहाँ तो है ही वन है, तो वन ही इसका क्या बन जाएगा, एच सी एफ, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 30 एंड 54। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, फैक्टर्स ऑफ 30 आर, फैक्टर्स ऑफ 54 आर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, तो पहले 12 के फाइंड कर ले, 1 × 12, 12 ही होता है। ठीक है, अब क्या करो, आप 1 से बड़ा नंबर ले लो, 2। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 12 आ जाए, 2 × 6 = 12, 2 से बड़ा नंबर ले लो 3, 3 × 4 = 12, अब 3 से बड़ा नंबर 4 लोगे, 4 तो ऑलरेडी आ गया। ठीक है, जब आपके यहाँ या तो सेम नंबर आ जाए या कंसिक्यूटिव एक के बाद दूसरा आ जाए, तो मीन्स हमारे पास फैक्टर यही है और नहीं होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ 30 आर, अब हमें किसके फैक्टर फाइंड करने हैं, 30 के, तो हम यहाँ 30 के बना लेंगे, 30 को राउंड ऐसे सर्कल में बंद कर लो, 1 × 30। ठीक है, अब 1 से बड़ा नंबर क्या होता है, 2, क्या 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करें 30 आता हो, हमें पता है 15 से। ठीक है, बेशक आप अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, तो 30 को 2 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 30 को 2 से डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब आपको पता है अंदर वाला कैसे आता है, पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके, मीन्स 2 × 15। ठीक है, अब 3 देखो, 3 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करो 30, हमें पता है 3 की टेबल आती है, 3 × 10 = 30। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई अगर करें, 4 की टेबल में 30 नहीं आता है, 5 की टेबल में 5 × 6 = 30। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था अगर कंसेक्यूटिव एक के बाद दूसरा नंबर आ जाए, तो मीन्स हमारे यहीं बस फैक्टर बन चुके हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30। ठीक है, अब हमें किसके निकालने हैं, 54 के। ठीक है, 54, अब 54 के देख लो, 1 × 54 होगा। ठीक है, 2 × अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 54 आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मान लो कि, अब हमारे एक मिनट में पेपर ले, ठीक है, दिख रहा है सबको, हाँ जी, अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारे पास 54 आ जाए, अब अगर नहीं पता है तो आप 54 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 54 को 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। ठीक है, तो 2 और 27, मीन्स 2 × 27। ठीक है, अब 2 से बड़ा नंबर 3, ठीक है, 3 मे बी 3 लिखना हो मे बी ना लिखना हो, अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, 54 को 3 से, 54 को 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 18, 3 × 18, अब 4 पे नहीं होगा, विषय करके देख लेना, 5 पे नहीं होगा, 6 पे, क्या 6 की टेबल में 54 होता है, 6×9 = 54। ठीक है, 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है, 8 × 7 = 56 होते हैं, 8 में नहीं आता, फिर 9 आएगा, 9 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बने फैक्टर, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 and 54। ठीक है, ये हो गए, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम इसकी क्या कर रहे हैं, एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फैक्टर्स हो गए, अब उसमें से क्या निकालने हैं, कॉमन, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है,
ऐसे फैक्टर जो मतलब तीन नंबर है तो तीनों के पास आने चाहिए। अब आप देखो वन सबके पास आ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे वन, ठीक है। अब देखो टू, टू सबके पास आ रहे हैं तो यहाँ लिखा टू। थ्री भी सबके पास आ रहा है तो थ्री। फोर ऊपर में यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। फाइव यहाँ नहीं, यानी सिक्स आ रहा है, ठीक है। सिक्स बस और नहीं है। ट्वेल्व यहाँ है तो नीचे नहीं है, ठीक है, और नहीं आएंगे। तो ये इसके क्या आ गए हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ फैक्टर्स मत लिखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो एक ही होगा। मतलब इन सब में सबसे हाईएस्ट का मतलब है कि जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें से हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, सिक्स, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 70, 14 एंड 35। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 70 आर फैक्टर्स ऑफ 14 आर फैक्टर्स ऑफ 35 आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम किसके फाइंड कर रहे हैं, 70 के, ठीक है। तो 1 × 70, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई किससे करें, 2 की मल्टीप्लाई 35, क्योंकि 35 टू कितने होते हैं, 70, ठीक है। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, आप बेशक डिवाइड करके देख लेना, 5 से हो जाएगा। 5 को किससे डिवाइड करें कि यहाँ पे 70 आ जाए, आप सीधा ओरली करना चाहे ओरली कर लो। 5 × 5 यहाँ 2 रहेगी, 5 × 4, ठीक है। या फिर और सुनो, जब भी आप इनको लिख लो ना, इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ये आता नहीं आपको। 14 की टेबल आती होगी, 14 × 5 = 70, ठीक है। 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 70 कहाँ आता है, 10 पे, ठीक है। 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे आएगा, 10 हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बने, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 एंड 70। 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 एंड 70, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में देखना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं लिख रही हूँ। तो 14 के फाइंड करेंगे, 1 × 14, इस 1 से बड़ा नंबर, अगला ले लो 2। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेगी, इस 14 आ जाए, 2 × 7 = 14, ठीक है। अब 3 की टेबल में 14 नहीं आता, ठीक है, आप जो यहाँ नंबर लिख रहे हो उसकी टेबल में ही ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। 3 की में नहीं आता, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 की टेबल में 14 आता है, 7 लिख चुके हैं, तो यही है 1, 2, 7 और 14, 1, 2, 7 एंड 14। आप 35 के फाइंड कर लें, 1 × 35, ठीक है। 2 की, देखिए ये ओड नंबर है, 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5, 5 × 7 = 35, 6 की टेबल में 35 नहीं आता, ठीक है। आपको टेबल ही चेक करनी है, 1 के बाद 2 की टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ओड है। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में 4 × 9 = 36, 35 नहीं आता, 5 × 7 = 35, तो क्या आएंगे, 1, 5, 7 एंड 35। ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें से हमें क्या निकालने हैं, अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, एच सी एफ फैक्टर्स हो चुके हैं, अब इसमें से क्या निकालने, कॉमन कॉमन फैक्टर्स जो तीनों के पास हो। 1 है सबके पास, 2 इसमें है, नीचे नहीं है, ठीक है, नहीं आ रहा। 2 ऊपर वाले 2 के पास है, नीचे नहीं है, तो 2 नहीं लेना। 5 पहले और ऊपर वाले में, बीच में नहीं, ये भी नहीं लेना। 7 आ रहा है, 7 है सबके पास, तो 7 ले लेंगे। और फिर 14 बीच वाले के पास है, ऊपर भी है, नीचे नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा, तो ये 2 आ गए। लेकिन 2 में से हमें कौन सा लेना है, एच सी एफ हाईएस्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर एच सी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 7, बड़ा कौन सा है, 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे ये आपके सी पार्ट,